नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कविता सामसुखा इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स की तरफ से आज लेकर के आई हूँ आपके लिए बंगाल क्रिएशन। बंगाल क्रिएशन मैंने आपको पहले भी दिखाया है और आपने और भी हमें रिक्विजिशन दी है कि हम इसे और भी दिखाएं। तो आज मैं आपके लिए कांथा और बालूचरी का एक कलेक्शन लेकर के आई हूँ जो वेस्ट बंगाल की एक देन है। और ये जो एक्सक्लूसिव साड़ियाँ हम बंगाल में बनाते हैं ये सारे विश्व में बहुत ही पसंद की जाती हैं। चलिए कांथा से शुरू करते हैं। ये जो कांथा की साड़ी है, कांथा एम्ब्रॉयडरी हमारे बोलपुर रीजन में बनती है, हाथ से बनाई जाती है और इसे लेडीज़ अपने घरों में बनाती हैं। एक एक साड़ी को बनाने में 2 से 3 महीने लगते हैं। आप ये देख रहे हैं ये जो वर्क है ये कितना इंट्रिकेट है, कितना खूबसूरत है, जिसे बनाने के लिए जिसने भी बनाया है कितनी मेहनत की होगी। ये जो वर्क है ये बहुत ही पेनस्टेकिंग है, बहुत ही इसमें मेहनत लगती है। जो लेडीज़ इसे बनाती हैं उनकी मेहनत की आपको दाद देनी पड़ेगी। हम इस तरह का एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी जब आपके हाथ में लेकर के आते हैं तो इमीजिएटली हमारे दिमाग में उनका ख्याल आता है जिसने इसे बनाया है। तो आज हमारे हिंदुस्तान में ये ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो इन्हें क्रिएट कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही अनोखी और एक बहुत ही स्पेशल बात है। और इसका जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, देखिए ये पूरा ट्रेडिशनल बर्ड मोटिफ और फ्लोरल डिज़ाइन जो है ये हमारे कांथा की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइंस में आती है, जिसे हम रिवर्स कांथा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मोटिफ होती है, जो डिज़ाइन होती है कांथा, इसके बाहर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स कांथा। और इसकी जो डिज़ाइन की पैटर्न है फ्रेंड्स वो इस तरह से है, ये टर्निंग स्टाइल पैटर्न हम इसे बोलते हैं। ये पल्लू के पोर्शन से इनसाइड पोर्शन में ये जो वर्क है ये रिड्यूस होता जाता है। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर में प्लेन पोर्शन और नीचे में ये वर्क है, ये टर्न करता हुआ पूरी साड़ी में चला जाएगा और ऊपर के प्लेन पोर्शन में भी आपको इसमें बूटे मिलेंगे। कितना खूबसूरत इसमें कॉम्बिनेशन किया गया है और कितना खूबसूरत इसका काम है। इस तरह की एक साड़ी अगर आपके वार्डरोब में हो तो ये डेफिनेटली एक कलेक्शन है जिसे आप खुद भी पहन सकते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हैं। और एक कांथा की साड़ी प्योर बेंगलोर सिल्क पे बता रही हूँ। ये जो फैब्रिक है ये बेंगलोर सिल्क है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और लाइट होता है। मस्टर्ड कलर है इसका बॉडी का, जिसमें पूरा 1 कलर से काम किया गया है। ब्लैक कलर से ये पूरी कांथा स्टिच बनी हुई है। कांथा स्टिच बेसिकली एक रनिंग स्टिच होती है जो कि लेडीज़ हाथ से बनाती हैं अपने घरों में। ये सब साड़ियाँ आप ऑफिस में पहन सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में पहन सकते हैं और किसी भी पार्टी में भी पहन सकते हैं। ये देखिए इसमें पूरा ऑल ओवर बूटी का काम है और पल्ले और बॉर्डर में भी देखिए इसी तरह का 1 कलर से कांथा वर्क किया हुआ है। ये एक कांथा है जो कि बहुत ही अलग है, इसके डिज़ाइन एकदम यूनिक है, एकदम नई है। इसमें हमने बनाए हैं फिश मोटिफ। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का बड़ा फिश का डिज़ाइन बॉर्डर में आएगा और यही पल्ले में ऑल ओवर आएगा। इसमें 2 तरह के कलर के थ्रेड का इस्तेमाल हुआ है और पूरी पल्ले में और पूरी साड़ी में इसी तरह का ये कांथा वर्क है। और इसकी बॉडी जो है वो प्लेन है और इसका कपड़ा है प्योर बेंगलोर सिल्क। इस साड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसमें मल्टी कलर रेशम से काम किया गया है। डिफरेंट कलर्स के इस्तेमाल से ये साड़ी का पल्ला और इसका बॉर्डर बनाया गया है। ये देखिए इसका बॉर्डर है और उसका पल्ला जो है यहाँ पर आपने देखा ये इस तरह का इसमें पल्ला है। इस डिज़ाइन को हम लोटस डिज़ाइन के नाम से जानते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोटस फ्लावर के मोटिफ बने हुए हैं। ये जो देख रहे हैं आप पूरी साड़ी में लोटस मोटिफ्स बने हुए हैं। ये जो लोटस डिज़ाइन है ये एक वन ऑफ दी सिग्नेचर डिज़ाइंस ऑफ कांथा वीविंग है। कांथा की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें ये लोटस डिज़ाइन बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ देखिए इसका ऊपर का बॉर्डर है, नीचे के बॉर्डर में बिग मोटिव्स आपको मिलेंगे लोटस के और ऊपर के बॉर्डर में छोटे मोटिव्स मिलेंगे लोटस के। और इसकी बॉडी में भी देखिए लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं। एक और खूबसूरत कांथा की साड़ी जिसमें मल्टी कलर रेशम से एम्ब्रॉयडरी की गई है,
ये जो मल्टी कलर रेशम का फ्लोरल डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये पल्ले की डिज़ाइन है जिसमें कई सारे कलर का इस्तेमाल हुआ है। और इसका जो इनसाइड पोर्शन है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह का है। इसमें भी टर्निंग पैटर्न में ये इनसाइड पोर्शन है, ये जो नीचे का पोर्शन है ये घना है और ऊपर का पोर्शन जो है इनसाइड में रिड्यूस होता गया है। और टर्न करने से आपको समझ आएगा ये कम होता हुआ चला गया है अंदर की तरफ। इसकी जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स फ्लोरल के ऊपर है, और जो कांथा का जो स्टिच है फ्रेंड्स वो बहुत ही फाइन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कांथा स्टिचेस इट हैज़ बीन मेड विद। और इस साड़ी में देखिए इसका जो कलर है वो है डुअल टोन मरून कलर। धूप छांव का जो मरून कलर होता है या शॉर्ट कलर मरून कलर जिसे हम कहते हैं, जिसमें ब्लैक और मरून की दो तरह की इसमें आप आभा पाएंगे। ये कांथा की साड़ी बनी हुई है टसर के ऊपर। हम यूजुअली कांथा जो बनाते हैं वो या तो बेंगलोर सिल्क पे बनाते हैं या टसर के फैब्रिक पे बनाते हैं। टसर के फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा कोर्स होता है और वो थोड़ा सा स्टिफ रहता है, सिल्क की तरह सॉफ्ट नहीं होता। इसमें जो कांथा की स्टिच होती है वो देखिए इस तरह की आती है। ये कांथा का जो पैटर्न है ये दो कलर से बना हुआ है, बॉडी का डिज़ाइन ऑफ वाइट और ब्लू से। और इसका जो बॉर्डर है फ्रेंड्स देखिए वो कॉन्ट्रास्ट में डाई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, इसमें ब्लैक एंड ब्लू से डबल कलर का बॉर्डर बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए इसका है पल्ला, पल्ले की डिज़ाइन फ्रेंड्स देखेंगे अगर आप तो बहुत ही खूबसूरत है, बॉडी के साथ मैच करके बनाई गई है। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है फ्रेंड्स वो इस तरह का है, ये आएगा ब्लाउज़ पीस जिसमें भी हमने बॉर्डर दिया हुआ है। बॉडी का कलर इसका अनियन पिंक है और बॉर्डर में दो कलर का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू। कांथा की साड़ियाँ आपने बहुत देखी होगी लेकिन ये कांथा की साड़ी बिल्कुल अलग है, एकदम डिज़ाइनर पीस है। इसमें हमने टसर का फैब्रिक यूज़ किया है, बेस कलर 100% प्योर टसर है। और यहाँ पर हमने इसमें हैंड पेंट किया हुआ है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये पूरी हैंड पेंट से बनी हुई है और इसके अंदर हमने हाईलाइट किया है कांथा से। ये जो रेड थ्रेड लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी कांथा से बनी हुई है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स इसका है ब्लाउज़ पीस, ये देखिए प्लेन ब्लाउज़ पीस में इस तरह की बॉर्डर आएगी। और इसका जो बॉर्डर है फ्रेंड्स ये चौड़ा है, ये इस तरह का इसमें बॉर्डर का मोटिफ है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी कांथा से अब हम जाते हैं हैंडलूम वीविंग बालूचरी की तरफ। बालूचरी की साड़ियाँ बोलपुर रीजन में बनती हैं जो वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही पॉपुलर वीव है। चलिए देखें, ये एक साड़ी ऐसी है जिसका कलर और डिज़ाइन एकदम यूनिक है। आपने बालूचरी की साड़ियाँ पहले भी देखी होंगी लेकिन आई एम श्योर ये कलर आपने पहले नहीं देखा होगा। ये हमने नया कलर बनाया है और इसकी जो डिज़ाइन है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। माइथोलॉजिकल फिगर्स तो इसमें भी बने हुए हैं लेकिन ये जो वर्क है फ्रेंड्स ये एकदम अलग है। और इसका जो बॉडी का मोटिव है फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह का है, इसमें दो तरह के मोटिव्स बनाए गए हैं। और इसका बॉर्डर देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इस साड़ी का जो काम है फ्रेंड्स वो बहुत ही फाइन है और बहुत ही खुल के आ रहा है। इस साड़ी में भी आपको ब्लाउज़ पीस मिलेगा। एक और रेशम बिना वर्क की बालूचरी जिसमें पूरा रेशम से कढ़ा हुआ काम है, हैंडलूम की वीविंग है और रेड कलर के मीने से इसको हाईलाइट किया गया है। ये जो रेड कलर का जो टच दिया गया है ये पूरी आंचल के डिज़ाइन को खूबसूरत बना रहा है। बालूचरी साड़ियों के पल्ले जो होते हैं वो देखने के लायक होते हैं। इन साड़ियों की जो वीविंग होती है ये बहुत ही खूबसूरत होती है और ये जो ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स जो इसमें बनाए जाते हैं वो माइथोलॉजिकल बेस्ड पे बनाए जाते हैं। और इसकी जो बॉडी की डिज़ाइन है फ्रेंड्स इसमें भी आप देख रहे हैं एक ह्यूमन फिगर है, लेडी का फिगर बना हुआ है और इसके साथ में फ्लोरल दो तरह के बूटे बने हुए हैं। ये बूटे पल्लू के पास थोड़े क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और अंदर में थोड़े थोड़े दूर पर होते हैं। और इसका बॉर्डर देखिए फ्रेंड्स ये भी रेशम से बना हुआ है, जिस तरह का इसका पल्ला है उसी तरह का मैच करके इसमें बॉर्डर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत पिकॉक ब्लू शेड के ऊपर एक सुंदर बालूचरी।
इसे हम कहते हैं स्वर्णचरी। स्वर्णचरी क्यों? क्योंकि इसमें जरी का काम है। बालूचरी में यूजुअली हम रेशम का काम करते हैं और स्वर्णचरी में जरी का काम होता है। दोनों साड़ियाँ बनती हैं वेस्ट बंगाल में, वही बोलपुर के रीजन में और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हैं। इसका जो बॉडी का कलर है वो टमेटो पिंक है और ये जो मोटिव्स आप देख रहे हैं ये पूरे जरी से कढ़े हुए हैं। इसी तरह का इसमें बॉर्डर बनाया गया है, इसमें ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं और डियर की डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो डियर का मोटिव है ये बालूचरी के मोटिव्स में बहुत ही पॉपुलर मोटिव है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पर है इसका पल्ला। पल्ला ही तो इस साड़ी का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन है, जिसमें जरी के साथ आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर के मीने से इसमें हाईलाइट किया गया है। बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं बालूचरी की साड़ियाँ जो हम यूजुअली वेडिंग में या वेडिंग ट्रूसों में इसको दिया जाता है, तो वेडिंग में क्योंकि ये यूज़ होती हैं तो इसमें यूजुअली जो मीना वर्क है वो ब्लू से किया जाता है, ब्लैक से नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन है कि वेडिंग में ब्लैक का टच को अवॉइड किया जाता है। तो ये इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए मीनी का कलर इसमें ब्लू दिया है। एक बहुत ही अनयूजुअल कलर की ये साड़ी है जिसका बॉडी का कलर फ्रेंड्स देखिए कितना अनकॉमन है। ये जो कलर है इसमें पर्पल और ब्लू का डुअल टोन है, धूप छांव जिसे कहते हैं। आपको ये कभी लगेगा पर्पल है और कभी लगेगा इसमें ब्लू की आभा आ रही है। ब्लू एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में एक खूबसूरत बॉडी के कलर पे पूरा जरी का काम। अगेन अ स्वर्णचरी। स्वर्णचरी साड़ियों में यूजुअली जो जरी का काम होता है वो बहुत ही डेजलिंग होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो मोटिव बने हुए हैं ये पूरे माइथोलॉजिकल फिगर मोटिव्स बने हुए हैं। कितना खूबसूरत इसका पल्ला है। इस पल्ले को वीविंग में बनाना अपने आप में एक अच्छे कारीगर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे हुनर की ज़रूरत होती है, तभी ये बनाना पॉसिबल होता है। तो ये जो साड़ियाँ हमारे कारीगर हमारे वीवर्स बनाते हैं इनके हुनर की और इनके टैलेंट की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये एक रेशम वर्क पे बालूचरी दिखा रही हूँ जिसका कलर है स्ट्रॉबेरी पिंक। स्ट्रॉबेरी पिंक बेस के ऊपर वन कलर रेशम से पूरी इसमें वीविंग की गई है। खूबसूरत पल्ला है, खूबसूरत बॉर्डर है और ह्यूमन फिगर्स इसमें लेडी का एक ह्यूमन फिगर जो है वो पूरी साड़ी में बनाया गया है। इस तरह की एक रेशम की एक बालूचरी साड़ी यहाँ पर बहुत ही पसंद की जाती है। रेशम की बालूचरी हम इसे कैजुअली भी पहन सकते हैं, ऑफिस में भी पहन सकते हैं, डिफरेंट ओकेशंस में हम इसे पहन सकते हैं और इसकी जो सिल्क की जो क्वालिटी होती है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत फ्लॉलेस इसका सिल्क होता है और इसका जो रेशम का जो काम होता है वो भी बहुत ही फाइन होता है। कहीं पर भी आपको इसमें उठा हुआ रेशम नहीं मिलेगा, पूरा बैठा हुआ काम है, जो कि एक बहुत ही अच्छे कारीगर और अच्छे हाथ से बनी हुई ये साड़ी है। एक बहुत ही ब्राइट कॉम्बिनेशन में रेशम बालूचरी साड़ी दिखा रही हूँ जिसमें वन कलर रेशम से पूरी साड़ी में काम किया गया है। माइथोलॉजिकल मोटिव्स का एक खूबसूरत सा पल्ला है और ह्यूमन फिगर का इसमें बॉडी में मोटिव दिया हुआ है। आप इस आंचल को अगर ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री में ये सब कहानियाँ ये सब स्टोरीज़ हमने सुनी हुई है जो कि वीविंग में हमने बालूचरी के पल्लू में बनाई हुई है। इस तरह की स्टोरी वाले फिगर वाले जो आंचल होते हैं वो बालूचरी साड़ियों के सिग्नेचर पल्ले होते हैं। रस्ट कलर में ब्लैक से किया गया रेशम का काम ये बालूचरी साड़ी में। ये जो वर्क है फ्रेंड्स देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उभर के आ रहा है। काले से जो कि इसमें काम किया गया है तो काले से ये जो वर्क है ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए इसका फाइन बॉर्डर, बॉर्डर में भी डियर मोटिफ और ह्यूमन लेडी का फिगर बना हुआ है। पूरी साड़ी में इसी तरह का खूबसूरत बॉर्डर और बूटा बना हुआ है, ये देखिए इस तरह का। फ्रेंड्स ये बालूचरी एकदम अलग है, इसमें एक
स्पेशलिटी है वो है कि इसमें बॉडी में ह्यूमन फिगर या फिगर मोटिव्स नहीं बने हुए हैं। इसमें हमने बॉडी में पेजली मोटिव्स दिए हैं और इसके पल्लू में भी कोई भी फिगर नहीं है। पूरा फ्लोरल पे बना हुआ इसका काम है, पूरा रेशम से बना हुआ है और जिसमें ब्लू कलर के मीने से हाईलाइट किया हुआ है। और इसका बॉर्डर भी देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लोरल पे है। इस तरह की साड़ियाँ जो कि विदाउट फिगर मोटिव्स बनाई जाएं, ये हम अलग से स्पेशली बनवाते हैं कुछ कस्टमर्स के लिए जो कि ह्यूमन फिगर या फिगर मोटिव्स नहीं पहनते। इन साड़ियों का प्रोडक्शन बहुत ही कम है, लेकिन इन साड़ियों को हम लाते हैं आपके लिए। ये साड़ी देखिए, ये भी कितनी अलग है। इसका जो काम है फ्रेंड्स, वो कॉपर जरी से किया हुआ है। ये जो मोटिफ आप देख रहे हैं, इसमें ये जो वाइट कलर से आप जो देख रहे हैं, ये थ्रेड वर्क है। और ये जो आप कॉपर लुक का जो वर्क देख रहे हैं, ये कॉपर जरी से बना हुआ है। इतना सुंदर इसका पल्ला है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ इसका पल्ला है। पल्ले में जो काम है देखिए, वो कितना सुंदर लग रहा है। इट इज़ लुकिंग लाइक अ पेंटिंग। और यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, और जो बॉडी के जो डिज़ाइन है और जो मोटिव्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। इसमें जो जरी का टोन चूँकि कॉपर है, तो इसका जो लुक है वो एकदम डिफरेंट आ रहा है। और अंदर की तरफ इसके जो बूटे हैं वो थोड़े दूर दूर पर हैं। हमारी हर साड़ी में आपको ब्लाउज पीस मिलेगा। और सारी की सारी साड़ियाँ आज मैंने जो दिखाई, वो 100% प्योर सिल्क पे बनी हुई हैं। और ये जो बालूचरी की साड़ियाँ हैं, वो हैंडलूम पे बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में आपको कुछ ऐसे डुप्लीकेट क्रिएशंस और कुछ ऐसे मिक्स वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी, जो कि ऑथेंटिक वीव्स को आप अगर लेना चाहें, तो आप प्लीज़ इसे पहले चेक कर लें कि वो हैंडलूम की है या वो प्योर सिल्क पे बनी हुई है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखने में लगे शायद बालूचरी की तरह, लेकिन उसमें या तो वो हैंडलूम की नहीं भी हो सकती है, या उसका फैब्रिक प्योर सिल्क का नहीं भी हो सकता है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो ऑथेंटिक प्योर बालूचरी साड़ी है या नहीं है। हम प्योर सिल्क की साड़ियों में डील करते हैं। हमारे यहाँ आपको हर बालूचरी साड़ी 100% प्योर ही मिलेगी। हमारा शोरूम का एड्रेस है P92 लेक रोड, कोलकाता 29, फ़ोन नंबर 2466-3907, व्हाट्सएप नंबर 9830436334। अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहें, तो लॉगिन करिए www.indiansilkhouse.com में। हमारे वेबसाइट में बालूचरी का एक स्पेशल, एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन अपलोडेड है। हो सकता है यहाँ से जो साड़ियाँ आपने देखी हों, वो साड़ी वहाँ ना हो, तो आप हमें फ़ोन में कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें, और हम आपको हेल्प कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि आप इसे कैसे ख़रीद सकते हैं। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात होगी आपसे अनन्या के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।